कि हम लोगों को एडवांस लाइफ सपोर्ट व्हीकल विद वेंटिलेटर जो है वो हमेशा चाहिए होता था, ताकि क्रिटिकल पेशेंट्स अगर किसी को कोलकाता ट्रांसफ़र करना है या फिर हायर ट्रीटमेंट के लिए कहीं और ट्रांसफ़र करना है, तो वो लाइफ सपोर्ट व्हीकल की हम लोगों के पास कमी थी। कुछ व्हीकल्स हमारे 108 के थ्रू चलते हैं, बट वेंटिलेटरी सपोर्ट के साथ में जो एम्बुलेंस है उसकी हम लोग को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो इसी क्रम में जब टाटा मणिपाल हमारे पास में आए थे तो हमने चर्चा के क्रम में यही बोला था कि जब एक मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल रहा है तो डेफिनेटली इस तरीके की कुछ सुविधाएँ अगर होती तो फिर बेटर रहता। तो इमीडिएटली उन्होंने ये कमिट किया था कि हम CSR के माध्यम से आपको एक कार्डिक एम्बुलेंस जो है वो उपलब्ध कराएंगे, और आज CSR के माध्यम से उन्होंने एक कार्डिक एम्बुलेंस और एक लाइफ एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, दो एम्बुलेंस प्रोवाइड किया है। तो पूरे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से मैं टाटा मणिपाल को सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कोविड की इस लड़ाई में एक नया आयाम ऐड किया है। अब जो सीरियस कोविड पेशेंट्स हैं जिनको एक हेल्थ केयर फैसिलिटी से अगर ICU वगैरह में शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में उनके हेल्थ पे काफ़ी रिस्क रहती है, वो हम लोगों को सपोर्ट इमीडिएटली से मिल जाएगा, ताकि पेशेंट के ट्रांसफ़र के टाइम में भी उनके सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो बने रहें। और जब ये कोविड की लहर चली जाएगी तो उसके बाद फिर इसका जो उपयोग है वो नॉर्मल एक्सीडेंट्स के केस में और सीरियस पेशेंट को हायर सेंटर्स ट्रांसफर करने के लिए किया जाएगा। मणिपाल की तरफ से कांतिलाल जी को नया